ट्रांसपोर्ट एसोसिएशन के द्वारा देश में चक्का जाम को लेकर संभागीय परिवहन अधिकारी अनीता सिंह ने कहा कि 26 फरवरी को चक्का जाम की सूचना नहीं है, लेकिन कहीं से भी चक्का जाम की सूचना मिलती है तो संभागीय परिवहन विभाग पूरी तरह से अलर्ट है। उन्होंने कहा कि आवश्यक वस्तुओं के वाहन के आवागमन पूरी तरह से जारी रहेंगे। वहीं गोरखपुर गुड्स ट्रांसपोर्ट एसोसिएशन के कार्यवाहक अध्यक्ष आर के तिवारी ने कहा कि भारत सरकार ने एक नई नीति लागू की है जिसमें ट्रक को एक दिन 200 किलोमीटर चलना होगा, जिससे ट्रक संचालक को दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है, क्योंकि जब ट्रक पूरी तरह से भर जाएगा तभी वह निकलेगा। अगर माल पूरी तरह से नहीं भरता है तो ट्रक एक दिन में 200 किलोमीटर का सफर नहीं कर पाएगा, जिसको लेकर 26 फरवरी को अटेवा संगठन पूरे देश में चक्का जाम कर रहा है। उन्होंने कहा कि गोरखपुर गुड्स ट्रांसपोर्ट एसोसिएशन चक्का जाम का समर्थन करता है, लेकिन इस चक्का जाम में सांकेतिक रूप से ही शामिल रहेगा, जनपद में कहीं भी चक्का जाम नहीं किया जाएगा। इस संबंध में गोरखपुर न्यूज से बात करते हुए गोरखपुर गुड्स ट्रांसपोर्ट एसोसिएशन के कार्यवाहक अध्यक्ष आर के तिवारी तथा संभागीय परिवहन अधिकारी अनीता सिंह ने कहा, मेरा नाम आर के तिवारी है, मैं कार्यवाहक को अध्यक्ष हूँ गोरखपुर गुड्स ट्रांसपोर्ट एसोसिएशन का। सरकार भारत सरकार ने अभी GST को लेके, ई वे बिल को लेके जो नई नीति अपनाई है, एक दिन का 200 किलोमीटर गाड़ी चलने का, जिसमें हम लोगों को विशेष दिक्कतें हैं, क्योंकि अगर हमारे पास माल कम होता है और हम एक दिन में जो है 200 किलोमीटर सफ़र नहीं कर पाएंगे जब तक मेरी गाड़ी कंप्लीट नहीं भरेगी। पहले का जो नियम था वो हम लोग सर्वाइव कर लेते थे, लेकिन अभी थोड़ी सी दिक्कतें ये आ रही हैं कि माल कम है, उसको हम अगर दो दिन के लिए जो टाइम दे रहे हैं उतने समय में हम लोग नहीं पहुंचा पाएंगे, जिसके लिए हमारे व्यापारियों को भी दिक्कत है। हमारे व्यापारी संगठन काइट करके एक संगठन है, उसने 26 तारीख को बंदी की जो घोषणा की थी उसके समर्थन में हम लोग जो है उनके साथ हैं। ये हम उनको मॉरल समर्थन दे रहे हैं, और अगर सरकार उस पर विचार नहीं करती है तो उस पर हम लोग दृढ़ संकल्प है, हम उनके साथ पूरे भारत में अपनी बंदी करेंगे, चक्का जाम करेंगे। कल गोरखपुर में आप लोग के द्वारा किया जाएगा? कल हम लोग सांकेतिक बंदी करेंगे, पूरी तरह बंदी नहीं करेंगे। अभी तो हमारी जानकारी में ये प्रकरण बिल्कुल भी नहीं आया है कि ट्रक ऑपरेटर एसोसिएशन का कोई चक्का जाम की स्थिति है। कल ही हमारे यहाँ ट्रक ऑपरेटर एसोसिएशन के कुछ पदाधिकारी गण हमारे ऑफिस में आए थे, और उन्होंने इस तरह की कोई भी जानकारी हमको नहीं दी है, न ही हमें प्रशासन से इस तरह की कोई जानकारी है कि कल चक्का जाम हो रहा है। और अगर किसी भी परिस्थिति में चक्का जाम की स्थिति होती है ट्रक की, तो उससे निपटने के लिए परिवहन विभाग अपने प्रवर्तन अधिकारी को सचेत कर चुका है, इस तरह से हो तो प्रशासन का सहयोग लेकर इस स्थिति से निपट सकते हैं। ट्रकों का आगमन कल कैसा रहा? ट्रकों का आगमन तो कल की स्थिति देखकर ही बता पाएंगे, क्योंकि चूँकि अभी हमारे पास कोई भी प्रशासन की स्थिति नहीं है। चक्का जाम का मतलब अगर इन्होंने आवश्यक वस्तुएं जो हैं अगर उसको रोका तो थोड़ी सी समस्या आ जाएगी, लेकिन उसका भी निदान हम लोगों के पास है कि हम लोग छोटी ट्रकें अवेलेबल करा देंगे और आवश्यक वस्तुओं को जनता तक पहुँचाने में पूरा सहयोग प्रदान करेंगे।